love me then. Now you've got me reaching out, out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. So hey guys, क्या हाल है आप सब के? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे भाई. और आज आपके लिए ले आया हूँ मैं एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास कि भाई पोर्श कायन या सेकंड हैंड लेनी चाहिए या नहीं. और मैं आज आपके लिए वही एक डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो ले आया हूँ कि है भाई पोर्श कायन 2014 ये मॉडल है. और ये गाड़ी अगर आप प्री ओन्ड लेने चाहोगे तो आपको मिल जाएगी अराउंड 30 से 35 लाख रुपये. और भाई यहाँ आपको देखोगे पोर्श का इतना प्यार आपको यहाँ पर लोगो ऑफर किया गया है. मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है इसका लोगो. और यहाँ पे आपकी हेडलाइट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ड्यूल प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं विद डीआरएल. और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स देख सकते हो एलईडी में. अलॉय व्हील्स की बात करोगे तो 93 इंच के आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं सिंगल टोन में. और गाड़ी देखो काफ़ी ज़्यादा भागती है, चारों आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं इसमें. और इसकी जो स्पीड है भाई, जो कंपनी मतलब कहती थी कि उस टाइम पे क्लेम करती थी, 0 to 100 5.4 सेकंड में कवर कर देती है. और ORVM देखो कितने बड़े साइज़ के हैं. चलो आपको एक बार थोड़ा इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ मैं गाड़ी का. दोनों साइड आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ सीट्स मिलती हैं. और ये देखो भाई इसका इंटीरियर कितना प्रीमियम लगता है भाई, मज़ेदार स्पोर्टियर के साथ प्रीमियम भी आपको मिलता है. और यहाँ देखो भाई इसके आपको रियर प्रोफाइल दिखा देता हूँ. यहाँ पे आपको डिफोगर, वाइपर सब कुछ, चलो ये तो कॉमन चीज़ें हो गई, ठीक है. और टायर साइज़ आप देखो कितना बड़ा है और काफ़ी बड़ी गाड़ी ये लगती है. और पोर्श कायन की बैजिंग देखो और इसकी टेल लैंप्स देखोगे ना, आपको मैं टेल लैंप्स दिखाता हूँ इसकी ऑन करके भी. मैं वहाँ पर एक क्लिप डाल दूँगा जिससे आपको आईडिया लगेगा कि कैसी इसकी रात को लुक आती है, निखर के, इतनी निखर के आती है ना. इसकी क्रिस्टल वाली आपको लाइट्स मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एलईडी यूज़ की गई है. 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे विद कैमरा. और फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं इसमें. और उस टाइम पर आपको इसमें दिए जाते थे 6 एयरबैग्स. तो चलो अभी अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं. आपको पूरा टैन लेदर दिया गया है और यहाँ पर ब्लैक भी यूज़ किया गया है लेदर विद वाइट स्टिचिंग. और ये ORVM और पावर विंडोज़ के कंट्रोल. और ये डोर को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो आप यहाँ से एक ही बटन से. इसमें आपको मिलता है भाई बोस का सिस्टम, भाई ज़बरदस्त स्पीकर है एक नंबर. तुम बैठोगे तुम्हें पता नहीं लगेगा कि रास्ता कैसे कट गया आपका. और यहाँ स्टेयरिंग देख लो, ऑडियो मॉनिटर कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा. पैडल शिफ्टर वगैरह हर एक चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड हो जाती है. गाइज पैसे बताओ किस चीज़ के हैं, किस चीज़ के पैसे हैं इस इन चीज़ों के हैं. ये जो आपको फील एंड टच एंड फील यहाँ पर मिलता है ना, इस चीज़ के पैसे हैं यहाँ पर. और ये देखो भाई इसका इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आपको RPM और हर एक चीज़ की अलग अलग आपको यूनिट मिलेगी. और कायन देखो कि कैसे लिखा हुआ है इसमें. और ये आपको इंडिकेटर्स के लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे और राइट साइड में वाइपर्स के कंट्रोल. और ये पोर्श का लोगो देख लो कितना प्यारा लगता है, इसी के तो सारे पैसे हैं. और यहाँ पे 8 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी. और ये बीच में सेंटर स्पीकर आपको मिल जाता है बोस की तरफ से. एयरबैग आपको इसमें 6 मिलते हैं जैसे मैंने बताया. IRVM आपका ऑटोमेटिक है. और रूफ़ लाइट्स देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बटन्स हैं. देखो अगर आप बटन से शौकीन नहीं हो तो भाई ये गाड़ी मत लेना, इसमें बटन ही बटन है, हर जगह बटन ही बटन है इसमें. इतने बटन देख के ना यार दिमाग सच्ची कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बटन दबाना है. दोनों आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी यहाँ पे. ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको पूरी यूनिट मिलेगी, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है. और यहाँ से आप अपने सस्पेंशन को भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से. टेरेन मोड्स आपको मिल जाते हैं, मल्टी ड्राइव मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं. और यहाँ कप होल्डर्स देख लो. और ये है भाई आपका आर्मरेस्ट, डिसेंट आपको स्पेस मिलेगा विद 12 वोल्ट का सॉकेट इसके अंदर है. और जो इसके देखो स्पीड में अगर भागती है तो ये आपको हैंडल दिए गए हैं, यहाँ से आप पकड़ सकते हो इसे, ठीक है. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. और भाई गाड़ी देखो सेफ्टी तो यार इतनी महंगी गाड़ियों की सेफ्टी की तो क्या ही बात करनी है. सेफ ऑफकोर्स ये गाड़ियाँ सेफ हैं. एंड ये ग्लव बॉक्स देख लो आपको काफ़ी ज़्यादा डीप साइज़ का आपको मिल जाएगा, पर थोड़ा अंधेरा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा. और ब्लैक पियानो फिनिश भी यूज़ किया गया है. और भाई यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है तो सनरूफ का आपका शौक भी पूरा हो जाएगा. पोर्श गाड़ी है भाई, अगर आप ये गाड़ी लेके निकलोगे रोड पे तो लोग पक्का हैंड 101% आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे, पक्का देखेंगे. ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के लिए देखेंगे, हमेशा देखेंगे, क्योंकि ये पोर्श है, लिमिटेड गाड़ी बिकी है. एंड लेदर स्टिच आपको यहाँ पे स्टेयरिंग मिलता है. और ये हेडलाइट्स के कंट्रोल आप यहाँ देख सकते हो. और चाबी आपकी डैशबोर्ड के अंदर लगती है इसकी. और ये देखो भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको लाइट जला के भी दिखाता हूँ. काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील होता है भाई, मज़ा आ जाता है इसको. चलो अब पीछे भी चलते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या ऑफर किया गया है वहाँ. सो गाइस अब हम पीछे आ गए हैं. और यहाँ देखो आप, डोर खोलता हूँ और यहाँ पे आपको सेम आगे वाला ही मतलब सब कुछ मिलता है ऑफकोर्स. और यहाँ आप देखोगे तो ऐश ट्रे आपको दी गई है अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हो, बट
छोड़ दो भाई, प्लीज़ मत पिया करो। बट मेरा काम है आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से आप अपनी मैगज़ीन वगैरह रख सकते हो। मेरी हाइट 5'11" है और स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसमें प्रोवाइड हो जाता है। रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे। बट एक चीज़ जो मेरे को नहीं पसंद आई, यहाँ देखो भी, यहाँ पर भी देखो, बटन ही बटन, कितने बटन हैं भाई, ऐसा क्या बटन दिया हुआ है इसमें। आपको इसमें 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करो अपनी, अगर आपको भाई गर्मी चाहिए या फिर सर्दी चाहिए, आप खुद अपने हिसाब से सेट करो यहाँ पे, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन अब ये उठता है कि भाई ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए आपको या नहीं। भाई ऑफ कोर्स आप अगर Porsche के एक लवर हो कि हाँ मेरे को यार Porsche का अपना सपना पूरा करना है, तो ऑफ कोर्स आप जा सकते हो। बट 13-14 मॉडल देखो, 2024 तक चलेगी, वो डीजल है, 10 साल की वैलिडिटी होती है। आप इतने में नई गाड़ी खरीद सकते हो तो क्यों यार इतने में, क्योंकि 30-35 लाख में और भी गाड़ियाँ आती हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। बट अगर Porsche फ़ैन हो तो आप ले सकते हैं। तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले।